हेलो दोस्तों, मैं राधिका जैन आज आपके लिए आंवले के गुणों का खजाना लेकर आई हूँ। आपने ताजे आंवले का स्वाद अगर लिया होगा तो निश्चित ही वह आपको कसैला लगेगा। पर कहते हैं ना, बुजुर्गों की बात का और आंवले के स्वाद का पता बाद में चलता है। जी हाँ, यह कसैले से स्वाद वाला आंवला बड़ा ही गुणकारी है। इसके गुणों के कारण इसे धात्र फल भी कहा जाता है। धात्र का अर्थ होता है पालन पोषण करने वाला, इसलिए इसे हर मर्ज की दवा भी कहा जाता है। आंवला सबसे मूल्यवान फलों में से एक है। आंवला भारतीय उपमहाद्वीप के पर्णपाती जंगलों में पाया जाता है। इसके स्वाद में 5 रसों का समावेश होता है। ये रस वात, कफ और पित्त को शांत करने वाले होते हैं। इसका उपयोग मुरब्बा व अचार के रूप में भी किया जाता है। खट्टा होने के कारण वात को, मधुर व शीतल होने के कारण पित्त को और रूखा व कसैला होने के कारण कफ को दूर करता है। आंवला प्यास को भी शांत करता है। आंवले के सेवन से बाल काले, घने व लंबे होते हैं। इसके गुठली और पत्तों में भी वही गुण होता है जो आंवले में होता है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, कैरोटीन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और फाइबर सभी पाए जाते हैं। आंवला विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। एक आंवले में 3 संतरे के बराबर विटामिन सी की मात्रा होती है। आंवले का सेवन कई प्रकार से किया जा सकता है और किसी भी रूप में इसका सेवन करने से ये उतना ही फायदा करता है। आंवला खाने से लीवर को शक्ति मिलती है, जिससे हमारे शरीर में विषाक्त पदार्थ आसानी से बाहर निकल जाते हैं। आंवले के सेवन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। आंवले का जूस भी पिया जा सकता है। आंवले के जूस पीने से खून साफ होता है और आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। आंवला शरीर की त्वचा और बालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। सुबह नाश्ते में आंवले का मुरब्बा खाने से आपका शरीर स्वस्थ बना रहता है। बवासीर के मरीज सूखे आंवले को महीन या बारीक करके सुबह शाम गाय के दूध के साथ हर रोज सेवन करें। इससे बवासीर में फायदा होता है। यदि नाक से खून निकल रहा हो तो आंवले को बारीक पीसकर बकरी के दूध में मिलाकर सिर और मस्तिष्क पर लेप लगाइए। इससे नाक से खून निकलना बंद हो जाएगा। आंवला खाने से दिल मजबूत होता है। दिल के मरीज को हर रोज कम से कम 3 आंवले का सेवन करना चाहिए। इससे दिल की बीमारी दूर होती है। दिल के मरीज मुरब्बा भी खा सकते हैं। खांसी आने पर दिन में 3 बार आंवले का मुरब्बा गाय के दूध के साथ खाएं। अगर ज्यादा तेज खांसी आ रही हो तो आंवले को शहद में मिलाकर खाने से खांसी ठीक हो जाती है। आवाज बैठने पर आधे चम्मच आंवले के रस को गाय के दूध या शहद के साथ लेने पर गले की खराबी और आवाज बैठना या बंद होने की तकलीफ दूर हो जाती है। जो लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, वो ताजे आंवले का रस शहद में मिलाकर पीने के बाद ऊपर से दूध पिएं। इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। दिन भर प्रसन्नता का अनुभव होता है व नई शक्ति चेतना देता है। सूखे आंवले का चूर्ण 2 चम्मच रोज रोटी में रखकर खाने से बुढ़ापा दूर रहता है। आंवला मोटापा कम करने में भी मददगार होता है। आंवला एक प्राकृतिक पाचक दवा है। यह नेत्र समस्याओं, एसिडिटी, कब्ज, मधुमेह, कमजोरी, थकान के इलाज में उपयोगी साबित होता है। च्यवनप्राश में भी काफी मात्रा में आंवला पाया जाता है। इसके सेवन से त्वचा संबंधी रोग में भी लाभ मिलता है। आंवला आपके स्नायु तंत्र को मजबूती देता है। सौंदर्य के साथ साथ आपकी स्मरण शक्ति को भी बढ़ाता है। आप जंक फूड का सेवन करने वालों में से हैं तो आपको आंवला जरूर खाना चाहिए। रात को सोने से पहले आंवला खाएं। इससे पेट में हानिकारक तत्व इकट्ठा नहीं हो पाते और पेट साफ होता है। आंवला हानिकारक टॉक्सिन को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होता है और रक्त को साफ करता है। अगर आपके दांत व मसूड़ों में तकलीफ हो रही है तो एक कच्चा आंवला नियमित खाएं, आपको लाभ मिलेगा। गर्मियों के मौसम में सुबह खाली पेट में एक आंवले का मुरब्बा खाकर पानी पी लें, शरीर अंदर से शीतल रहेगा। इसकी चटनी खाने में अच्छी लगती है और पाचन क्रिया को भी दुरुस्त करती है। पथरी की शिकायत होने पर सूखे आंवले के चूर्ण को मूली के रस में मिलाकर 40 दिन तक सेवन कीजिए। इससे पथरी समाप्त हो जाएगी। डायबिटीज के मरीजों के लिए आंवला बहुत ही फायदेमंद होता है। मधुमेह के मरीज हल्दी के चूर्ण के साथ आंवले का सेवन करें। इससे मधुमेह रोगियों को बहुत फायदा होगा। तो ये थे आंवले से होने वाले फायदे। आशा करती हूँ आप इसके गुणों को जरूर अपनाएंगे और इसका लाभ लेंगे। मैं राधिका जैन आपकी अच्छी सेहत की कामना करती हूँ।